भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश, कैलाश पर्वत पर आज मैं आपको एक आंखों की कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी है जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठला देते, उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और कहा, उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक था। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजंपुर की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजानला की लड़ाई याद करके थर्राता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नींद भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमांड को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढिंगरा की अगुवाई में 13 कमांड ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल एकत्रित हो गई। यही चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक चपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत
प्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजे ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हवाई नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की भारतीय चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचा पीछे भाग। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार दिया। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लटून नंबर 9 की ओर मुड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य, मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे, उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां के चरणों में अपने प्राणों की आहुति चढ़ी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1,300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे
लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में कटिल कमान की 4वीं कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास में गवाह है। इसके प्रांगण में आहिर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के इन वीर सुपुत्रों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर TN बैनर द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का आरोप पत्र एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना।